मोनि आपका जो कैरेक्टर दिखा जी नयन तारा का जी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखा थाँग इसके थाँग लिए आपने किस तरह की तैयारी की और इस कैरेक्टर की विशेषता आपके हिसाब से आपको क्या लगती है uh, मैं छोटा uh, रखूंगी आंसर पर मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ आई थिंक जब मैं पहली बार uh, मिलन सर से मिलने गई और uh, उन्होंने मुझे इस किरदार के बारे में बताया इस कैरेक्टर uh, uh, के बारे में बताया मैं जानती थी कि uh, मैं होप कर रही थी सीक्रेटली कि ये मुझे कास्ट कर ले एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट सर क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी पर जब आप शो देखेंगे वो uh, जिस ये कैरेक्टर जिस तरह से सोचती हैं uh, जिस तरह का इनका मन है uh, जैसा हाउ शी हाउ शी नेविगेट्स हर हर पाथ हर लाइफ एंड व्हाट हर जर्नी इज़ समथिंग दैट रियली रियली अट्रैक्टेड मी एंड आई रियली और आपने देखा ये वर्ल्ड सुल्तान ऑफ डेली का जब आप आ, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आ, आप खुद चाहेंगे कि आप भी उस एक उस वर्ल्ड का हिस्सा हूँ और मैं भी ऐसा चाहती थी विच इज़ वाई आई थिंक आई वेरी वेरी हैप्पी दैट आई गॉट द पार्ट मोनी जी कैबरे yeah. डांस uh, देखा अभी हमने आपका जो कि बहुत ही ब्यूटिफुल था सो कहीं कहीं हमें हेलन जी की याद आ जाती है सो so, कुछ इंस्परेशन लेती हैं आप या फिर जब आपको बताया गया कि इस सुल्तान ऑफ दिल्ली में इस तरह का कैबरे करना है सो so, क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में uh, जैसे सब ने बताया मिलन सर इज एक्चुअली वेरी वेरी प्रिसाइज सो ही न्यू एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्टेड और मैं उनको मुझे अभी भी याद है पूछती रहती थी कि सर क्या सॉन्ग पे करेंगे क्या सॉन्ग पे करेंगे ही इज़ लाइक डोंट वारी इट विल बी अ ओरिजिनल सॉन्ग एंड इट विल बी सुपर और पहली बार जब मैंने ये गाना सुना एक्चुअली जो आप जब आप शो देखेंगे तो देखेंगे कि

मिलन सर हैड फॉर एवरी सिंगल कैरेक्टर एंड या वही किया मैंने थैंक यू एंड मोनी जी मिलन जी सबके बारे में आपके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं गॉसिप दे रहे हैं <laughs> आप कुछ गॉसिप देना चाहेंगे मिलन जी के <laughs> नहीं हम हम मिलन सर से और सुपन सर दोनों सर से बहुत प्यार करते हैं इन इस शो में मुझे uh, सुपर्न सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला वो अगले शो को ठीक है बट uh, नहीं आई uh, थिंक uh, दोनों बहुत uh, जैसे कि अनुप्रिया ने बताया बहुत ही एक uh, बहुत स्पेस देते हैं आपको अपना सब कुछ बोलने के लिए डिस्कशन करने के लिए एक uh, अपनी बात रखने के लिए आई थिंक uh, वो uh, मिलन सर के साथ मुझे उनके बारे में ये बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे ये बात कि uh, इतने इतना आपको रिस्पेक्ट करते हैं बट एट द सेम टाइम इज़ योर फ्रेंड इज़ योर बाडी यू कैन Talk to him about everything and anything. So uh, I will always remember this experience, sir. So thank you so much.